पूरे भारत में 21 दिन का लॉकडाउन किया गया था, लेकिन लॉकडाउन में जो है कुछ भी असर देखने को नहीं मिला। जी हाँ, सोचा था, कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना के मरीजों की संख्या में कहीं ना कहीं कमी आएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। दिन ब दिन कोरोना के मरीजों की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है, और इसी के मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले तो यूपी में जो है 12 जिलों के कुछ इलाकों को जो है हॉटस्पॉट इलाकों को सील किया गया, उसके बाद से दिल्ली में किया गया, और अब हरियाणा में भी कई शहरों के इलाकों को जो है सील किया गया। इस वक्त हम मौजूद है गुरुग्राम में, लगभग 9 इलाकों को जो है प्रशासन ने सील किया। इसमें से इस वक्त हम मौजूद है फाजिलपुरी गांव में भी जो है इस इलाके को पूरी तरीके से सील किया गया है, और अभी प्रक्रिया जो है चल रही है सीलिंग की, कि फाजिलपुरी गाँव की जो मुख्य गलियाँ हैं उनको सील किया जाएगा, कि ताकि जो लोग जो है अपने घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों में ही रहे। ज़रूरी सामान जो भी है प्रशासन उन तक पहुंचाएगा, उनसे यही अपील है कि अपने घरों से बाहर ना निकले। इस वक्त हमारे साथ तमाम पुलिसकर्मी मौजूद है और सीलिंग भी चल रही है, हमारे साथ पुलिसकर्मी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि फाजिलपुरी गांव में। सर, सबसे पहले तो आपको सलाम है, आप 24 घंटे अपनी ड्यूटी करें। सर, फाजिलपुरी गाँव में किन किन गलियों को कितने दायरे के अंदर सील किया जा रहा है? तो मेन एंट्रेंस है फाजिलपुर गांव में, बाहर से आने की, उनको सभी को सील कर दिया गया है। ठीक है, एक जगह मेन एंट्रेंस एक रास्ता खोला जाएगा, जहां पर कोई इमरजेंसी होगी तभी कोई आ जाएगा, बाकी कोई बाहर से आदमी अंदर नहीं आ पाएगा, न ही कोई बाहर जा पाएंगे। सभी को बता दिया गया अपने घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। सर, ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? सर, जैसे प्रशासन के आदेश हो, अगले आदेश तक, जब तक ठीक ठाक ना हो जाता माहौल तब तक। सर, जो लोगों की जैसे राशन पानी की जो समस्या है, दवाई की समस्या है, वो किस तरीके से पूरी की जाएगी? राशन मेडिकल खुली है, वैसे मेडिकल सेवाएं सुबह, फिर भी अगर कोई जरूरत होती है तो पुलिस को कॉल करें, पुलिस जैसे सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। अगर ज़्यादा इमरजेंसी हुई तो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भी भिजवाएंगे। और राशन के लिए लोगों, जो गरीब जितने भी झुग्गी झोंपड़ियाँ जिनके पास राशन की कमी है, उनको राशन बांट दिया गया ऑलरेडी, और फिर भी कोई बचा है तो उनको भी राशन प्रोवाइड किया जाएगा। सर, लोग पूरी तरीके से इस नियम का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, कोई कदुका लोग हैं नहीं कर रहे, बाकी पूरे लोग पालन कर रहे हैं। जो गत पिछले मंगलवार को कोई केस जब मिला था, तो उसके बाद कुछ फैमिली यहाँ क्वारंटाइन कर दी गई थी, तो अब अपने डीएम साहब ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, इसके पूरे पूर्णतया सील करने के और आदेश दिए हैं। आज उसी सिलसिले में हम इसकी सीलिंग के लिए यहाँ आए हुए हैं। कुल कितने एरिया गुरुग्राम में सील किए जा रहे हैं, जिनमें ये कौन सा है? तकरीबन ये फाजिलपुर गांव है, पूरी तरह ये कंप्लीट सील करना है, और हमारे एरिया में एक सेक्टर 39 है, ये तीन लगभग 9 है गुड़गांव में। जो तो सर, सीलिंग के दौरान क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं और किस तरह से? सभी तरह की पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी, और जहाँ तक इनके खाने पीने की उसकी है, उसके लिए प्रशासन इसके लिए पहुँचाएगा सामान जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा और यानी रास्ते आने जाने के बिल्कुल बंद कर दिए? हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से सील किया गया। अच्छा, इनकी स्वास्थ्य जांच भी कराई जाएगी? हाँ, वो अपना जो है ना, इसका विभाग पहले भी सैंपल ले चुके हैं, जैसे हिसाब से जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से करते रहेंगे अपना स्वास्थ्य। अभी ये फिलहाल सीलिंग कब तक के लिए कराई जा रही है? ये फिलहाल तो जो क्वारंटाइन टाइम है जो 14 दिन के लिए, बाकी जो आगे का आदेश का क्या होता है, डीएम साहब जैसा भी आदेश देंगे। सर सर जो फिर ज़रूरी सामान है, लोग वो कैसे खरीदेंगे यहाँ के लोग? यहाँ सामान पहुँचाया जाएगा जी उनको, उनकी जरूरत के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट होगी जिला प्रशासन। हाँ, उसके लिए DFSC है, जिनको नोडल अधिकारी लगाया हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश में, तो इस तरह से ये कंप्लीट सील रहेगा जी। हमारी भी उनसे यही अपील है कि कृपया कानून की जो है रिस्पेक्ट रखें, पूरे नियमों का पालन करें। ये सुरक्षा जो है सिर्फ आप लोगों के लिए है, ताकि भारत जो है जल्द से जल्द कोरोना से मुक्त हो, भारत को आज़ादी मिले। और जिस तरीके से अभी फाजिलपुरी गांव में जो है पूरे तरीके से सील कर दिया गया है, पूरे गाँव को, सिर्फ एक ही रास्ता खुला है जो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी गेट है। कोई ज़रूरी सामान हो या फिर किसी की तबीयत ख़राब हो, सिर्फ उसी रास्ते से आया जा सके, ना ही बाहर से कोई आदमी अंदर आ पाएगा और ना ही अंदर से कोई बाहर जा पाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि प्रशासन के अगले आदेश तक किस तरीके से लोग नियमों का पालन करते हैं, और क्या कुछ परिवर्तन जो है इस सीलिंग से कोरोना में जो है आता है, और किस तरीके से अब देखना होगा कि भारत कोरोना से लड़ पाता है। लेकिन तमाम खबरों के लिए देखते रहिए APNS न्यूज़।